इस तरह से हमने क्या किया कि हमने अपने इस ये जो भी हमारा मतलब ये प्रोग्राम था, इसको हमने अलग अलग वेरिएबल्स देने और बजाने के बजाय अब हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, तो हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए ठीक है स्ट्रक्चर्स को पास करवाया एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में और फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, जैसा कि हमने यहाँ पे एक एरिया कैलकुलेट करवा के देखा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, चलते हैं अपनी कमांड विंडो की तरफ, बल्कि हम इसी में रहते हुए हम कमांड विंडो नीचे खोल लेते हैं और स्क्रीन के निचले हिस्से में आप देख सकते हैं मैं कार को रन कर रहा हूँ। तो देखें अब इसने प्रोग्राम को दोबारा से चला दिया, बट अब की बार इसने उसी तरह से बेड एरिया और लॉन एरिया कैलकुलेट किया, बट अब फर्क ये है कि पहले हमारे जो हैं वो अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं वेट और हाइट के, वो पास हो रहे होते थे। हमने वेट और हाइट के दो अलग अलग वेरिएबल बनाए थे, उनकी वैल्यूज पास हो रही होती थी। अब हमने क्या किया कि बेडरूम के लिए इस माई साइज स्ट्रक्चर का एक इंस्टांस बना के उसको बेड के नाम से सेव किया, उसके अंदर बेडरूम की हाइट और वेट डाल दी, और इसी तरह से उसको हमने एरिया कैलकुलेट करवा लिया बेड एरिया के नाम से वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से फिर हमने एक लॉन का एक इंस्टांस बनाया जिसके अंदर हमने लॉन के साइजेस डाल दिए, और फिर हमने जब उस एरिया नाम के फंक्शन को लॉन का इंस्टांस भिजवाया तो उसने हमें लॉन का जो एरिया है वो कैलकुलेट करके दे दिया, जिसको हमने लॉन एरिया में सेव करवा लिया, और देन हमने उस लॉन एरिया और बेड एरिया को प्रिंट करवा लिया। ये देखिए फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अब माई साइज टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको पास करवाया जा रहा है एज ए पैरामीटर, उसका नाम हमने माई पैरामीटर रख दिया था। उस माई पैरामीटर डॉट विड्थ हमने डॉट नोटेशन यूज की, मल्टीप्लाइड बाय माई पैरामीटर डॉट हाइट यहाँ पे भी डॉट नोटेशन यूज की, तो उन दोनों को हमने हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करवाया और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने वापस रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा यूजेज हो गया प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को रियल लाइफ में इस्तेमाल करने का। चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि देखें जब हम इसको फंक्शन को एज ए वेट और हाइट अलग अलग के तौर पर यूज करते हैं, तो प्रोग्राम बिल्कुल चल तो रहा होता है और इसका एरिया भी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन पैरामीटर रिलेटेड होने के बावजूद भी अलग अलग ट्रीट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर बना देते हैं जैसा कि हमने बनाकर देखा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या हुआ कि अब वो जो प्रोग्राम का वो जो वे आउट है काम करने का वो ज्यादा रिलेटेड हो गया कि अब आपने एक बेडरूम की हाइट और विड्थ एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दी, इसी तरह एक स्ट्रक्चर के इंस्टांस में डाल दी, इसी तरह किसी लॉन की हाइट और विड्थ एक इंस्टांस के अंदर डाल दी, तो वो भी ग्रुप के अंदर आ गए। पहले वो अलग अलग हाइट अलग वेरिएबल था, हाइट अलग वेरिएबल था। अब क्या होता कि अगर हमने बेडरूम की हाइट देनी है और बेडरूम की विड्थ देनी है, फिर उसके बाद हमने लॉन की हाइट देनी है, लॉन की विड्थ देनी है, तो हमें चार वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। पहला वेरिएबल होता बेड हाइट, दूसरा वेरिएबल होता बेड विड्थ, फिर तीसरा वेरिएबल होता लॉन हाइट, और चौथा वेरिएबल होता लॉन विड्थ। लेकिन स्ट्रक्चर यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने सिंपल दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम रखा बेड, एक का नाम रखा स्टांस बना लिए, दूसरा का नाम रखा हमने लॉन, और इन दोनों को हमने जो हमने माई साइज टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था ना उससे इनिशिएट करवा लिया, उससे इंस्टेंशिएट करवा लिया। अब क्या हुआ कि हमारे वेरिएबल दो हैं और हर एक की अंदर फिर दो दो फील्ड्स के अंदर वैल्यू सेव हो रही है। और सपोज करें कि हमने विड्थ हाइट के साथ कोई थर्ड डायमेंशन भी रखनी होती, लेंथ भी रखनी होती, अब हमारे उस तरह से नो वेरिएबल बन जाते, ठीक है, लेकिन इस तरह से हमारे भी दो ही वेरिएबल चलते रहते। तो हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल स्ट्रक्चर बना के उसकी फील्ड्स में इजाफा करते चले जाएंगे। ठीक है, हम इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं, जहां मैं आपको एग्जांपल दोबारा से बताता हूँ।
ये देखें, यहाँ पे पहले थे हमने जब डिफाइन किए थे तो हाइट और विड्थ दो वेरिएबल थे। अगर हम सपोज इसके अंदर एक और चीज डाल देते, लेंथ भी डाल देते, ठीक है, हम यहाँ पे जनाब नेम भी डाल देते, ठीक है। अब ये चार वेरिएबल होते, अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो हमें चार वेरिएबल बनाने पड़ते लॉन के लिए और चार वेरिएबल बनाने पड़ते किसके लिए, बेड के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने चूंकि स्ट्रक्चर बना लिया तो यहाँ हमारे पास जो मेन वेरिएबल है वो बेड और लॉन की दो ही बन रहे होंगे। इसके अंदर हम फील्ड्स के अंदर जो है ना, फिर जितनी भी आगे हमारे फर्दर एट्रीब्यूट्स है या फर्दर डेटा है वो डालना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे जी लेंथ B20 दे देते हैं और नेम स्ट्रिंग फ्रॉम ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारी अच्छी खासी टेडियस किस्म की एक्टिविटीज को काफी सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलते हैं जी वापस अपने स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं हमारी जो आखिरी दो स्लाइड्स रह गई हैं उनमें क्या कुछ है। तो जनाब आखिर में ये बता रहे हैं कि ये जो हमने रेक्टेंगल का या किसी भी एरिया के हमने रूम का जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने से हमें काफी आसानी हो गई। यहाँ पे उसने रेक्टेंगल की एग्जांपल ली है, हमने रूम की एग्जांपल ले ली थी, और उसने कहा कि हमने जो रेक्टेंगल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं। दायरे आपको पता है कि रेक्टेंगल कि कोई रूम जो होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में होता है, नॉर्मली रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। हमने उसको रूम ले लिया था कि मुख्तलिफ तरह के रूम के या एरियाज के साइजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउस की जो एंटिटीज होती है उनके साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्होंने उसको एज ए मैथमेटिकल रेक्टेंगल के ऊपर लिया है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया रेक्टेंगल का, उसकी विड्थ और हाइट दो उसके अंदर फील्ड से दी, उसके बाद आपने उस रेक्टेंगल का एक इंस्टांस क्रिएट किया रेक्ट1 के नाम से, उसके अंदर कोई वैल्यू दे दी, वेट इनटू 30, हाइट इनटू 50, और उसके बाद आपने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर ली। अच्छा, ये आखिरी आज की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम आज हम देखेंगे और उसको हम भी जरा देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में जाके। यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि इसको प्रिंट करवाने के हवाले से, किसको, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको प्रिंट करवाने के हवाले से आता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो प्रिंट करवा रहे थे नॉर्मली वो या तो हम उसकी वैल्यूज को डॉट नोटेशन से एक्सेस करके करवाते थे या उस पर कोई कैलकुलेशन करवा के उस कैलकुलेशन को हम प्रिंट करवाते थे, ठीक है। अगर हम पूरा का पूरा प्रिंट करवाना चाहें किसी स्ट्रक्चर को, उसका क्या तरीका होगा। पहले हम करते थे प्रिंट अगर जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल होते थे उन्हें हम कहते और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देते थे। हम देखते हैं कि हम अगर बेड के वेरिएबल को प्रिंट करवाने चाहें इस तरीके से तो ये प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता। तो हम जनाब जाते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पे हम कहते हैं कार्गो रन, तो जनाब इसने हमें कुछ एरर दे दिया।
और एरर क्या है? एरर ये है कि जो आप बेड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये बेड माई साइज टाइप का स्ट्रक्चर है और इट कैन नॉट बी फॉर्मेटेड विद द डिफॉल्ट। ये बता रहे हैं कि जनाबे अली, आप इसको डिफॉल्ट वे में प्रिंट नहीं करवा सकते। ओके फाइन। तो इसका हमने एक तरीका वहां पे पढ़ा था, और यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है, द ट्रेड एसटीटी फॉर्म डिस्प्ले इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर माई साइज। आएगा माई साइज, हमने कस्टम एक अपना स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके लिए जो डिस्प्ले करवाने का फॉर्मेट का तरीका कार है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। तो उसने हमें एक हेल्प दी है, कह रहे हैं कि आप कॉलन क्वेश्चन मार्क या कॉलम नंबर क्वेश्चन मार्क लगा के देखें रिटिव प्रिंटिंग करवाने के लिए। तो ये उसने एक सजेशन भी दिया है सर के साथ ना, इसने बताया कि यार माई साइज जो है वो उसका फॉर्मेट जो है वो डिफॉल्ट मुझे नहीं मिल रहा, और उसने कहा कि हम ये करके देखें शायद हमारा मसला सॉल्व हो जाए कि हम वो जो अपने खाली जो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं प्रिंट करवा प्रिंट एलन की स्टेटमेंट में उसके अंदर कॉलन क्वेश्चन मार्क लगा के देखें। तो चलें हम इसके सजेशन पे अमल पैरा होते हैं और हम यहाँ पे बेड को प्रिंट करवाते हुए कॉलन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेव करते हैं प्रोग्राम को और क्लियर करके कार को रन करवाते हैं और देखते हैं प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता। तो जनाब ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर दोबारा फेरर दे दिया, और अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो माई साइज टाइप का स्ट्रक्चर है ये कॉलन क्वेश्चन मार्क लगाने से आप इसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहे और ये प्रिंट नहीं हो पा रहा। उसने फिर हमें एक हेल्प दी है, वो कहता है कि एसटीडीएफएमटी डीबग इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर माई साइज। तो या तो आप नंबर ड्राइव डीबग ऐड कर लें मैन्युअली या आप एसटीडीएफएमटी डीबग डिफाइन कर दें। तो जनाब किसी भी कस्टम डिफाइंड टाइप को इनके स्ट्रक्चर को अगर आपने डिफॉल्ट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप उसकी जहां पे आपने इसको डिफाइन किया ना स्ट्रक्चर को उससे पहले ये वाली लाइन लिख दें, नंबर बिग ब्रैकेट डिराइव स्मॉल ब्रैकेट डीबग स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको कॉपी करते हैं सॉरी अपने कोड में हमने जहां पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया था इसके शुरू में आते हैं और ये वाली जो जो वैल्यू थी इसको हम लिख देते हैं, सेव करते हैं और कार को रन करवाते हैं। सॉरी यहाँ पे से मैंने वो हटा दिया था। सॉरी एरर ये है कि मैंने यहाँ पे लेंथ लिखते हुए एल ई एन नहीं दिया। ऑल टुगेदर डिफरेंट एरर्स हैं।
ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारा ये कम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो हम इसको अलग से ही विंडो में जाके वहाँ पे इसको चला के देखते हैं, ताकि एरर आपको बिल्कुल पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। कार को रन, तो ये बोरो वाला भी चक्कर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, हमने एक बेड डिफाइन किया, एक लॉट डिफाइन किया, उसके बाद हम इनको प्रिंट भी करवा लेते हैं, बेड को और लॉन को, और उसके बाद उनका एरिया कैलकुलेट करवा के उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। जनाब हम अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं, तो जनाब देखें प्रोग्राम हमारा चल पड़ा। अब इसने सबसे पहले माई साइज प्रिंट कर दिया, और ये जो उसका पहला इंस्टांस हमने क्रिएट किया था वो प्रिंट कर दिया। उसके अंदर वेट 10, हाइट 20, लेंथ 20, नेम बेडरूम, इनके बेडरूम वाला जो हमने इसका इंस्टांस क्रिएट किया था वो प्रिंट कर दिया। देन इसने फिर लॉन वाला जो इंस्टांस क्रिएट किया था वो प्रिंट कर दिया। देन हमने जो एरिया कैलकुलेट करवाया था वो एरिया कैलकुलेट करवाने के बाद हमने उसको भी प्रिंटिंग करवा दी। तो हम चल के देखते हैं कि हमारा जो कोड है इसकी फाइनल शक्ल क्या निकली थी। तो देखें हमने क्या किया, सबसे पहले तो ड्राइव डीबग किया। ये जो कंसेप्ट है ना ड्राइव डीबग वाला, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी स्ट्रक्चर को फुल फ्लैश प्रिंट करवाने का तरीका था ना, कि आप डॉट नोटेशन से उसके किसी फील्ड को प्रिंट करवा लें, अगर आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उस कैपेबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से पहले नंबर और ये बिग ब्रैकेट, डिराइव, स्मॉल ब्रैकेट, डीबग और फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज, ये वाली कमांड या ये वाली लाइन, ये आपने उस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के साथ ही यहाँ पे अगर आप ये मेंशन कर देंगे तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने फंक्शन के अंदर आप कोई इंस्टांस बनाएं उस स्ट्रक्चर का, और देन उसको प्रिंट कराते हुए कॉलन क्वेश्चन मार्क के साथ आप उसको प्रिंट करवाएं, तो ये आपको प्रिंट करने की इजाज़त देगा। अदरवाइज यहाँ पर ऐड देना शुरू कर देगा कि वो एफ एम टी डिस्प्ले जो है वो डिफाइन नहीं हुआ हुआ इस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है आपका किसी भी एरे को प्रिंट करवाने का, कि आप एरे जहाँ पे स्ट्रक्चर, सॉरी, किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करवाने का, प्रिंट करवाने का, कि जहाँ पे आप उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं वहाँ पे आप ये ड्राइव डीबग वाली कमांड लगा दें, और देन स्ट्रक्चर को बनाने के बाद, उसका इंस्टांस बनाने के बाद, उस इंस्टांस को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कॉलन क्वेश्चन मार्क और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें, और आगे इसका नाम दे दें इंस्टांस का, तो ये उसको प्रिंट कर देगा प्रॉपर फॉर्मेट में, इस तरह से जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंट हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं वापस अपने स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे वही एरर बता रहा है कि जब आप ये इसको चलाएंगे ये कॉलन क्वेश्चन मार्क लगा के, तो आपको एरर दे देगा कि आपका ये एफएमटी डिस्प्ले जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने उसके लिए जो इसका हल है वो है ये ड्राइव डीबग वाला। ये आप देख रहे हैं कि आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए आपने नंबर और ये आगे ड्राइव डीबग ये वाली लाइन लिखते हैं, और देन फिर जब आप उसको कहीं पे प्रिंट करवा रहे होंगे कॉलन क्वेश्चन मार्क से, तो ये आपको प्रिंट करना अलाउ करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे आज हमारा आज का सेशन नंबर 12 खत्म होता है। आज हमने जो चीज़ें देखी वो ये थी कि हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखा। ठीक है, जरा हम रिव्यू साथ साथ कर लेते हैं।
ये देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को बनाना सीखा, बल्कि उससे पहले हमने स्ट्रक्चर की कुछ तारीफ देखी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, उसकी क्या रीजन होती है। देन फिर हमने स्ट्रक्चर को बनाने का तरीकाकार देखा, वो था स्ट्रक्ट का कीवर्ड, फिर उसके स्ट्रक्चर नेम, फिर कोड ब्लॉक के अंदर हम उसकी फील्ड्स का नाम और कॉलर उसकी टाइप दे देते हैं। जब एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके इंस्टेंसेस बनाते हैं। इंस्टांस बनाने का तरीका क्या होता है, लेट इंस्टांस नेम इज इक्वल टू स्ट्रक्चर नेम, और फिर आगे कोड ब्लॉक के अंदर हम फील्ड नेम और उसकी वैल्यू, फील्ड नेम और उसकी वैल्यू, फील्ड नेम और उसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, कॉलम के साथ। तो ये होता है किसी स्ट्रक्चर का इंस्टांस बनाने का तरीका। फिर उस इंस्टांस की अगर हमने किसी खास फील्ड को एक्सेस करना हो तो हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं। हम इंस्टांस नेम डॉट फील्ड नेम ये यूज करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रक्चर के इंस्टांस की फील्ड्स की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फील्ड इनिशियलाइजेशन शॉर्ट हैंड को देखा कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर हैं और वहां पे पैरामीटर के वेरिएबल्स का नाम भी सेम है जो कि स्ट्रक्चर की फील्ड्स हैं उनके उनके साथ, तो वहां पे हम बजाय दोनों को अलग अलग लिखने के कि ईमेल कॉलन ईमेल, इसकी जगह हम सिंपल ईमेल ही लिख दें, तो रस्ट इंटेलिजेंट है, वो खुद से समझ जाएगा कि ओके फाइन, ये जो फील्ड का नाम है स्ट्रक्चर की वो भी वही है, और जो उसके अंदर वैल्यू मैंने जिस वेरिएबल से डालनी है वो नाम भी सेम है, तो वहां से उठाकर उनको आपस में मैचअप कर लें। अगर आप ऐसे डिटेल में लिखते हैं तभी कोई मुजायका नहीं है, लेकिन आपके काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने ये वाली एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी रखी है कि आप चाहें तो अगर दोनों नाम सेम है, फील्ड का नाम भी और जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने उसमें पास ऑन करनी है उसका नाम भी, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ही बार नाम यूज करें, वो उससे उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर उसके बाद अगर आप किसी एक इंस्टांस को क्रिएट करते हुए किसी स्ट्रक्चर के किसी दूसरे इंस्टांस की फील्ड्स की वैल्यू को लाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, एक तरीका तो ये था कि आप डॉट नोटेशन यूज करें और डॉट नोटेशन लिख के इंस्टांस डॉट फील्ड नेम, इंस्टांस डॉट फील्ड नेम डालना शुरू कर दें। तो एक तरीका तो ये था, लेकिन थोड़ा सा लंबा रास्ता है। अगर आप इसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो रस्ट आपको ये प्रोविजन देती है कि आपने जो कस्टम फील्ड्स की वैल्यू देनी है वो आप दे दें, उसके बाद बाकी सारी की सारी बची हुई फील्ड्स जिनकी अभी तक आपने वैल्यू मेंशन नहीं की वो आप किसी दूसरे इंस्टांस की वैल्यू से उठाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे डॉट डॉट और आगे इंस्टांस नेम दे दें, तो वो जो बकाया जो भी अनडिफाइंड वैल्यू है वो जाकर उस इंस्टांस के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है दूसरे वाले इंस्टांस के अंदर उन वैल्यूज को उठाएगा और इस वाले इंस्टांस के अंदर कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम स्ट्रक्चर इस तरह के भी बना सकते हैं जिनके अंदर फील्ड्स के नाम ना हो, और उनको बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप स्ट्रक्ट फिर आगे स्ट्रक्चर नेम देते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर आप फिर जितनी भी आपकी वो जो फील्ड्स होती हैं उनकी टाइप दे देते हैं, जाहिर है नाम नहीं देते, नेमलेस होते हैं ये, तो आप उसके अंदर टाइप दे देते हैं, जिसका तरीका आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिटेल में पीछे देख चुके हैं। फिर ऑनरशिप का कंसेप्ट हमने देखा कि ऑनरशिप बिल्कुल उसी तरह से कंसेप्ट काम करता है जिस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहा होता था। चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो वही सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हम डिफाइन करते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम टेस्ट किया, हमने देखा कि पुराने तरीके के ऊपर नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में हम एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम इस तरह से बनाते थे, इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो आपस में लिंक नहीं होते थे। अगर आपने मल्टीपल रेक्टेंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करना है तो फिर आपको हर रेक्टेंगल के लिए अलग अलग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ते थे, लेकिन स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बाद हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया रेक्टेंगल का, और उस रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर के अंदर वो हमने दो फील्ड दे दी, विड्थ और हाइट की, और अब हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो उस रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर के डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट करवा के उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल थे ना विड्थ और हाइट का वो एक लॉजिकल कंटेनर के अंदर आ गए। अब उनकी इंडिविजुअल हैसियत जुदा करना, हैसियत खत्म हो गई, वो पार्ट ऑफ द इंस्टांस ऑफ द रेक्टेंगल स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। और हम जहाँ पे भी यूज करेंगे
वो रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, और उसके अंदर उसके जो दो फील्ड्स हैं हाइट और विड्थ की, वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे यूज कॉपी ये वो एवरीथिंग होती चली जाएंगी। जबकि पुराने वाले जो ट्रेडिशनल केस था उसमें वो वैल्यूज विड्थ और हाइट की वो अलग अलग अपनी एंटिटी रखती थी, हालांकि वो पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल थी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने से ये फायदा हो गया कि जो स्ट्रक्चर है वो उसका सब पार्ट बन गई है, सब फील्ड्स बन गई है, सब वैल्यूज बन गई है, और हम उनको अलग अलग नहीं है, उनको एज ए सिंगल वेरिएबल ट्रीट कर रहे होंगे जो कि स्ट्रक्चर का इंस्टांस होगा। फिर हमने आखिर में देखा कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को एज इट इज प्रिंट करवाना चाहें तो जनरली आपको एरर आता है, और वो एरर ये होता है कि वो कहता है कि आपका ये जो कस्टम फॉर्मेटेड फील्ड्स हैं, मतलब जो कस्टम फील्ड्स हैं आपकी जो कि स्ट्रक्चर्स से डिफाइन हुई भी होती हैं, कस्टम टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, ये आपकी एसटीडी एफएमटी डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से वो इसको प्रिंट नहीं कर सकता। तो इनको प्रिंट करवाने का तरीका ये होता है कि नंबर एक तो ये कि प्रिंट करवाते हुए आप कॉलन क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, और दूसरी बात है कि जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा ना वहाँ पे आपने नंबर स्क्वेयर ब्रैकेट ड्राइव स्मॉल ब्रैकेट डीबग स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, ये वाली जो लाइन है ना ये आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए लाजमी लिखनी है। जब आप ये लिखेंगे उसके बाद आपका ये जो कॉलन क्वेश्चन मार्क्स है ना पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को प्रिटी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले, वरना हम आज का सेशन एंड करते हैं। बाकी जो इसका बाकी मानदा पोर्शन है वो इंशाल्लाह अजीज हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर मेरी तरफ से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।